दो लोकसभा चुनाव और अनेक विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार झेलने के बाद भी भाजपा विरोधी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की हड्डी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करने वाली पार्टियों के लिए एक बड़ी नसीहत साबित होने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रतीक बन गया है। भाजपा को मुश्किल में डालने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किया गया शाहीन बाग का दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के हाथों के तोते उड़ गए हैं और कांग्रेस अपनी हार मानकर घर बैठ गई है। दोस्तों, आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग बनाम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार पर अपनी टिप्पणी भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय आए सर्वे में आम आदमी पार्टी आसानी से जीतती दिख रही थी। उस समय भाजपा को 8 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही थी। शेष सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जाती दिखाई गई थी। लेकिन मतदान से 5 दिन पहले तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सट्टा बाजार की माने तो भाजपा को मिलने वाली सीटों की गिनती 50 से ऊपर निकल गई है। आम आदमी पार्टी 20 सीटों से भी नीचे जाती दिख रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से मुश्किल में पड़ गए हैं। संजय सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं और वह शाहीन बाग का आंदोलन खत्म करने की अपील करने लगे हैं। जी हां दोस्तों, शाहीन बाग का दाव आम आदमी पार्टी को उल्टा पड़ चुका है। संविधान बचाने के नाम पर शुरू हुआ शाहीन बाग का आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में चला गया है। शाहीन बाग चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेलने वाले वामपंथियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों का मंच बन गया है। शाहीन बाग के धरने के कारण लाखों दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है। शाहीन बाग के मंच से उठने वाली आवाजें मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर परिणामों को उजागर कर रही हैं। राष्ट्रवादी मीडिया कर्मियों से मारपीट और दहशत ने शाहीन बाग को देश के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह बना दिया है। इस पर पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी ने आग में घी का काम किया है। दिल्ली की जनता ने शाहीन बाग की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना मन बदला है। चौक चुराव पर लोग अरविंद केजरीवाल की शाहीन बाग समर्थक सोच का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मतदाता अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली पानी के लालच पर राष्ट्रवाद को पहल देते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को भारी गिनती में दिल्ली वासियों ने शाहीन बाग के धरने के सामने प्रदर्शन किया और देश के पक्ष में नारे लगाए। सोमवार को बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। एक तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय एकता और अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रवादी बोल दिल्ली के मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। अब दिल्ली के समर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कूद चुके हैं। भाजपा के 200 सांसद और 70 केंद्रीय मंत्री भी घर घर जाकर मतदाताओं को CAA और NRC के बारे में जागरूक करने में लगे हुए हैं। मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री कर ली है। 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले छोटे से प्रदेश दिल्ली के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के मुद्दे पर अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन का सामना किया है। दोस्तों, मेक्सिको की सीमा को सील करना अमेरिकी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थरेसा मे ने ब्रेक्जिट के मुद्दे पर हाउस ऑफ कॉमन में सबसे बड़ी पराजय का सामना किया। दोस्तों, ब्रेक्जिट ब्रिटिश राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। हाल के वर्षों में फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के मतदाता भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करते देखे गए हैं। दोस्तों, भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का उत्थान इस इंटरनेशनल फिनोमेना का ही विस्तार है। देश के मदरसा छाप राजनेता इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही उनकी और उनकी कौम की सेहत के लिए लाभदायक होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।